हेलो एवरीवन, क्लास फोर्थ से एक्सरसाइज 2.5 में है सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, रमन ओपन्ड डांस क्लासेस फॉर चिल्ड्रन 13,456 स्टूडेंट इनरोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। ड्यूरिंग सेकेंड मंथ 1,851 स्टूडेंट बैकेड आउट। How many students were left in the classes? रोमन डांस क्लास ओपन करते हैं कि खुलता है बच्चों वाला, जिसमें फर्स्ट मंथ में कितने बच्चे इनरोल रहते हैं 13,456। सेकेंड मंथ में 1,851 स्टूडेंट बैकआउट यानि कि निकल जाते हैं। तो अब टोटल कितने स्टूडेंट्स बचे हैं क्लास में, ये हमें बताना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे उसमें से सेकेंड मंथ में जो स्टूडेंट बैकआउट किए हैं उसको हम माइनस करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट मंथ में कितने स्टूडेंट्स थे, फर्स्ट मंथ में थे 13,456। सॉल्व फर्स्ट मंथ में कितने स्टूडेंट थे 13,456। सेकेंड मंथ में कितने स्टूडेंट बैकआउट किए हैं, वो है 1,851। हम यहाँ पे कौन सा सिंबल्स लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन का, माइनस का सिंबल। सिक्स में से वन माइनस होगा कितना बचेगा, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5। सिक्स में से वन माइनस हुआ तो 5। 5 में से 5 माइनस होगा तो 0। 4 में से 8 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैरी लेंगे। 4 का है वो 14 हुआ और 3 है वो 2। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 14 में से 8 माइनस किए तो कितना आया, 6। अब है 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, 1 का 1। कितने स्टूडेंट्स है, 11,605। आंसर टोटल कितना आया, अब कितने स्टूडेंट है डांस क्लास में, 11,605। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, 2, 3, 4, 5, 6 को। अब है लेट्स रिवाइज, हम चैप्टर में, अब है लेट्स रिवाइज चैप्टर में हम जो जो पढ़े हैं वहाँ पे इसको रिवीजन किया गया है। फर्स्ट में है ऐड एंड चेक द सम, ऐड करना है और आंसर को चेक भी करना है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ ऊपर में लेंगे, फिर यहाँ पे जो नीचे में है उसको उससे हम माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा ये वाला आना चाहिए। तो हमारा बनाया हुआ ये वाला आंसर राइट होगा। यहाँ पे है 7 + 6, तो 7 में 6 को ऐड करेंगे कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 का यहाँ पे आ जाएगी 3 कैरी 1। 7 + 3 + 1, 7 में 3 को ऐड करेंगे तो 8, 9, 10 कैरी 1, 11। 11 का 1 कैरी 1। 5 + 4 + 1, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9। 9 + 1, 10। 10 का 0 कैरी 1। 2 + 2 + 1, 2 + 2, 4, 4 + 1, 5। 5 + 3, 8। अब हम ये आंसर को यहाँ पे लेंगे, अब हम ये आंसर चेक करेंगे, तो 85,013 में हम 32,576 को माइनस करेंगे, 32,576। 3 में से 6 माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम 1 से कैरी लिए तो 1 है वो 0 हो गया। अब 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, कितना लाइंस आया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आंसर आया 7। जीरो में से 7 माइनस करें तो हम क्या करेंगे, सामने वाले नंबर से कैरी लेंगे। ये जीरो है, जीरो को कैरी दिया तो ये जीरो 10 हो गया, पर ये जीरो कैरी दिया तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जब हम कैरी लेते हैं तो जीरो 9 हो जाता है। एक साथ अगर 2 3 0 है तो वो सभी जीरो 9 हो जाएगी, उसके बाद जो नंबर रहता है वो 1 माइनस हो जाता है। तो हम जीरो से कैरी लें तो ये जीरो 9 हुआ, फिर उसके बाद जो नंबर है वो 1 माइनस हो जाएगा, तो 5 है वो 4 हो गया। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 9 10, 1 2 3, कितना आया, 10 में से 7 माइनस किए तो 3। अब है 9 में से 5 माइनस करना है, 5 के बाद 6 7 8 9, कितना लाइन आया, 1 2 3 4, 9 में से 5 माइनस किए तो 4। अब है 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, 8 में से 3 माइनस होगा तो 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, कितना आया 5, 52,437, 52,437 हमारा ये आंसर क्या है, राइट है। ऐसे बाकी सबको सॉल्व करना है। यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन 3 में फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 4 में फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, फिर है सॉल्व प्रॉब्लम्स। जितने हम एक्सरसाइज में समझे हैं वो पूरा यहाँ पे रिवाइज किया गया है, सॉल्व करना है।